Hello guys, welcome back. I am Pushpen Dhakar and welcome to Fly Academy. In this video, we are learn about reported speech. Reported speech means direct or indirect narrations. Direct or indirect narrations क्या होते हैं? वो हमको समझेंगे इस पूरे वीडियो में. तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बाकी अगर आपको इसके टेंस आपको नहीं आते हैं या फिर वॉइस आपको नहीं आते हैं तो पहले आप जाकर आई बटन में क्लिक करें, वहाँ जाके पहला प्लेलिस्ट में उनको देखें और सीखें, फिर आप रिपोर्टेड स्पीच समझें, क्योंकि बिना उनके आपको समझ में नहीं आएगा. जनरली टेंस और वॉइस के बिना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी. चलिए तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है कि जो हूबहू सेम टू सेम बोल दिया जाए वही का वही, उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लगा के रखते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है मतलब जो किसी ने बोला है, फर्स्ट पर्सन ने जो बोला वो सेकंड पर्सन वो ही बोलेगा, लेकिन बोलने का थोड़ा तरीका चेंज कर देगा. बात चेंज नहीं करेगा, बोलने उसका जो बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच. तो आइए हम इसमें कुछ रूल्स पढ़ते हैं. रूल्स आपके दो तरह के, वो एक जनरल रूल होगा और एक आपका स्पेशल रूल होगा. जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल होगा जो आपका हर तरह के सेंटेंस में काम कर जाएगा, और जो आपका स्पेशल रूल होगा, विशेष रूल होगा, वो आपके कुछ पे काम करेगा, जो आपके स्पेशल कुछ तरह के सेंटेंस होते हैं उन पे काम करेगा. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका जनरल रूल्स. तो रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन ये है कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच को हम अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपका जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो आपका हट जाता है. द फर्स्ट रूल, तो आप याद कर लीजिए इसको कि जब भी हम अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके हट जाते हैं. ठीक है, ये आपको पहले रूल समझ में आया. अब आते हैं हम दूसरे रूल पर. ठीक है, रूल नंबर टू में क्या होता है, आपका जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में जब आप कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, आप डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रोनाउन चेंज होता है. प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, देखिए आई का हो जाता है आपका मी, आई का क्या हो जाता है आपका मी, वी का हो जाता है अस, वी का क्या हो जाता है आपका अस हो जाता है, वी का होता है आपका अस, यू का यू ही रहता है, ही का आपका हेम हो जाता है, शी का आपका शी का आपका हर हो जाता है, और इट का क्या इट ही रहता है, और दे का देम हो जाता है. ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्या करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो आपका प्रोनाउन इस तरीके से चेंज हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द रूल नंबर टू. अब आते हैं रूल नंबर थ्री पर. नंबर थ्री बिल्कुल सिंपल है आपका. रूल नंबर थ्री में क्या होगा, जैसे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज करेंगे, जब आपका डायरेक्ट स्पीच रहेगा उसमें अगर से, सेज, विल और से लिखा होता है तो ये चेंज नहीं होता है. से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, विल है तो विल ही रहेगा, और से है तो से ही रहेगा. जो आपका डायरेक्ट स्पीच में होगा वही आपका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा. लेकिन अगर आपका से टू लिखा है, से टू लिखा है तो वो आपका टेल हो जाएगा. से टू आपका क्या हो जाएगा, टेल. सेज टू आपका टेल्स हो जाएगा, और सेड टू आपका टोल्ड हो जाएगा. तो ये आपको ध्यान रखना, अगर टू लगा रहता है, क्या लगा रहता है आपका, टू लगा रहता है तो वो आपका चेंज हो जाता है. से किस में चेंज हो जाएगा, आपका टेल में चेंज होगा. इसी तरीके से हम उल्टा भी कर सकते हैं इसको. सो दिस इज द रूल नंबर थ्री. अब हम आते हैं रूल नंबर फोर पे. जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस रहता है, जस्ट लाइक दिस, ही सेज, देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा है, मतलब ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली. अगर आप इसमें क्या करते हैं, अगर इसको आप चेंज करते हैं तो चेंज करने का रूल क्या होता है कि आपको पहला रूल मैंने जो बताया, सबसे पहला रूल क्या होता है, कॉमन रूल, कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो आपका हट जाता है. तो इन्वर्टेड कॉमा आपका हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आपका हट गया. तो ही सेज, जब भी हम क्या बनाते हैं, मेन जो रूल नंबर फाइव है वो ये है कि आप जब भी जो सेंटेंस, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो आपका दैट लगता है. क्या लगता है आपका, दैट. मेन चीज है आपका दैट लगता है. तो रूल नंबर सिक्स में क्या होता है कि आपको टेंस चेंज करना पड़ता है. वो टेंस किस तरीके से चेंज होंगे, आप देखिएगा, आपका जो डायरेक्ट नरेशन में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन में आपका सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा. अगर वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. अगर वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो
पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। दैट मीन्स ये कि जितना भी प्रेजेंट टेंस है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आते हैं हम कहाँ पे, पास्ट टेंस में। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये कि हमें पहले टेंस आना चाहिए। तो आप सबसे पहले जाकर, अगर आपको टेंस नहीं आते तो पहले अपने टेंस क्लियर करिए, आप आई बटन पे क्लिक करिएगा और पास्ट आपके टेंस की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप टेंस देखिए पूरे और टेंस सीखिएगा, देन फिर आप नरेशन बनाइए। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपको टेंस है, पहले आपको टेंस आना चाहिए, देन आपको नरेशन आ पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ अभी अब आप आते हैं अपन फ्यूचर। नाउ अब आते हैं, अगर फ्यूचर का आता है तो फ्यूचर में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल एंड शेल। अगर विल और शेल है तो या तो विल आपका कन्वर्ट हो जाएगा वुड में और शेल कन्वर्ट हो जाएगा आपका शुड में। मतलब विल अगर आता है तो आप वुड यूज करेंगे, शेल अगर आता है तो आप शुड यूज करेंगे। अगर कैन है तो उसका कुड हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा आपका कुड। अगर मे है तो आपका माइट हो जाएगा, मे है तो माइट। लेकिन अगर आप ध्यान रखें, अगर कुड शुड वुड या माइट होता है तो जो है वो ही रहता है। मीन दैट मीन्स ये होगा कि नो चेंज, देयर इज नो चेंज, देन द कोड शुड वुड माइट विल बी रिमेन सेम, जिस तरीके से आपका पास्ट टेंस में होता है। सो दिस इज दी सिंपल थिंग्स जो हमें चेंज करनी है जब हमें आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है। तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हम आते हैं इस रूल पे। इस रूल में क्या होता है, जैसे कि हमारे कुछ रिपोर्टेड वर्ब चेंज होती है, जिस तरीके से जो दिस होता है वो आपका दैट में कन्वर्ट हो जाता है, दीज जो होता है आपका दोस में कन्वर्ट होता है, हेयर जो होता है वो आपका देयर में कन्वर्ट हो जाता है, नाउ देन एगो बिफोर दस सो टुडे दैट डे, टुडे दैट डे, ऐसे करके आपके बहुत सारे ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड लिखे, आगे जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं आगे आपको बता दूंगा, बराबर में आपकी लिस्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्चुअली मोस्टली का ये यूज होते हैं, मैंने आपको ये बताया। तो इसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी रूल्स हमने करे हुए हैं, जितने आपको जितने भी आपको सब माइंड में फिट कर लेना उनको बिठा लेना है। अब हम बनाएंगे आगे सेंटेंस। मैं अभी आपको टेंस वाइज बता रहा हूँ, जी मैं जनरल रूल्स आपके जितने भी मैंने आपको बताया ये जनरल रूल्स आपके उसमें लग जाएंगे, स्पेशल रूल आपके लगेंगे, स्पेशल सेंटेंस हम आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में अभी हम करते हैं टेंस वाइज, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे आपके पेपर में आएंगे वो आपके आएंगे टेंस वाइज ही आएंगे। हालांकि पेपर में तो स्पेशल रूल वाले भी आएंगे, लेकिन अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन टेंस वाले बनाते हैं, ठीक है ना। फिर इस बात अपन आगे वाले वीडियो बनाएंगे अपन स्पेशल रूल वाले। तो अभी तक जितने भी रूल्स आपने पढ़े हुए वो थोड़ा आपको माइंड में रखिएगा, और उसी के हिसाब से वीडियो और जितने भी आपके चेंज अपन को करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वो सब इसी हिसाब से होंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं टेंस वाइज। तो देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, ही सेड टू सीता आई मिस यू, ही सेड टू सीता आई मिस यू। तो देखो आप सबसे पहले बताएंगे ही सेड टू लिखा है, क्या लिखा है सेड टू, तो सेड टू का क्या हो जाएगा आपका टोल्ड, ही टोल्ड सीता, ही सोल्ड, ही टोल्ड सीता दैट, क्या बोलते हैं भाई, हमने मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं अपन, दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं दैट, जो डबल इनवर्टेड कॉमा है वो आपका हट जाएगा। ही टोल्ड सीता दैट, वो सीता से क्या कह रहा था, वो ही सेड टू सीता मतलब उसने सीता को कहा, उसने सीता को क्या कहा, आई मिस यू, वो उसको मिस करता है, वो सीता को क्या करता है, मिस करता है। तो ही टोल्ड सीता दैट, ही मतलब वो मिस करता है, तो ही मिस किसको मिस कर रहा है वो, तो मिस का क्या हो जाएगा, देखो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम इसको क्या करेंगे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मिस का क्या हो जाएगा, मिस्ड हो जाएगा, ही मिस्ड, यू मतलब हर हो जाएगा, समझ में आ रही बात। मतलब वो कह रहा है ही सेड टू सीता आई मिस यू, मतलब उसने सीता को कहा कि वो सीता को मिस करता है, ऐसे ही बोलेंगे ना इनडायरेक्ट इसमें, वो सीता को मिस करता है, मतलब वो उसको मिस करता है, उस मतलब इसको ऐसे बोलेंगे कि उसने सीता को बोला है कि वो उसको मिस करता है,
तो इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड सीता दैट ही मिस्ड हर, ही मिस्ड हर। आई चीजें समझ में? अब हम आते हैं एक दूसरा सेंटेंस और बनाते हैं इसमें आपको समझ में आता है, ठीक है। जैसे हम चले जाते हैं, ही सेड टू मी आई नेवर ईट मैंगो, आई नेवर ईट मैंगो, आई नेवर ईट मैंगो। तो ही, तो ही ऐसे जाएगा, सेड टू है तो क्या जाएगा आपका, टोल्ड, ही टोल्ड मी, और मी के बाद क्या आना अपना, दैट। ये रूल है कि जब भी अपन सेंटेंस बनाएंगे तो दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट नोट कमांड जाएगा, तो आई मतलब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं मतलब आई नेवर ईट। तो यहाँ पे अपन को सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट बनाना है, तो ईट का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म एट, आई एट मैंगो, आई एट मैंगो, ही टोल्ड मी दैट आई नेवर एट मैंगो, आई नेवर एट मैंगो। तो इस तरीके से हमें बनाना, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात समझ में आई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल है, इसमें सेंटेंस दिया राम सेज टू श्याम, राम सेज टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। तो राम ने श्याम से कहा कि मैं टीवी देख रहा हूँ। तो हम इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे कैसे करेंगे, राम देखो सेज टू लिखा है, क्या हो जाएगा आपका, टेल्स हो जाएगा, राम टेल्स श्याम, इसके बाद क्या आएगा आपका, दैट, क्या आएगा, दैट। तो आई एम वॉचिंग टीवी, तो राम टेल्स श्याम दैट आई, पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पास्ट का। देखो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई एम, तो वहां पे आई के साथ क्या आता है, वॉज, आई वॉज बोई का बोई वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो राम टेल्स श्याम दैट, राम टेल्स श्याम दैट आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो मैं आपको बता दूं कि इतना, ये जो सेंटेंस, ये जिसका कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, ये जो इतना पोर्शन आपको नजर आ रहा है, राम सेज टू श्याम या राम सेड टू श्याम, कुछ भी लिखा हो, तो जिसमें लिखा है वही का वही रहेगा। प्रेजेंट में बोला तो प्रेजेंट में, पास्ट में बोला तो पास्ट में, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता है ना, यही सेंटेंस पहले की बात होता, तो यही चेंज होता है, ये चेंज नहीं। अगर ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो वो प्रेजेंट में लिखना, जैसे कि मैंने सेज टू लिखा है तो ये टेंस आ गया, पिछले बार हमने सेड पढ़ा तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाता है। तो ये सेज टू है तो ये वो सेड टू था तो वो टोल्ड हो गया था। तो दैट मीन्स ये है कि इसको चेंज नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रहे, इसको चेंज नहीं करना, माइंड में बिठा लो इसको चेंज करना है। इसको चेंज कैसे करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस जो मैंने प्रीवियस में बताया रूल, तो इसे आई एम वॉचिंग टीवी, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, और दैट आपको लगाना ही है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण। अब आप समझ गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता है मुझे आगे के सेंटेंस आपको बताना चाहिए, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद तो मेरे को यही है। अगर आप नहीं समझे तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको पूरे एक अलग से, ये तो रूल्स के साथ मैंने बता दिया, फिर मैं आपको अलग से पूरा इकट्ठा ही बता दूंगा पूरा टेंस के हिसाब से। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ना कमेंट भी करें, और ताकि आप मुझे बता सकें, आप मुझे अगर कहेंगे कि आप मुझे स्पेशल रूल वाले बताइए तो मैं आपको स्पेशल रूल वाले बताऊंगा, अदरवाइज यही चलेगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।